हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, ग्रेड वन, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट 20। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ ए और एन। हमें क्या करना है? ए और एन का यूज करना है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वी शुड अंडरस्टैंड ए और एन का यूजेस क्या होता है, ये क्यों किया जाता है ना। सो लेट स्टार्ट। यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट। जो वर्ड स्टार्टिंग के अंदर ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। अब बताओ, देखो क्वेश्चन ये रेज हो जाता है कि कॉन्सोनेंट होते क्या है, जैसे कि पी, बी, टी, डी, सी, जी, एस, जेड, एफ, वी, एच, एन, वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें साउंड का ध्यान रखना होता है। एंड एन बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ वोवल्स। और एन कब लगता है? जब हम बिफोर में वोवल्स लगते हैं। वोवल्स यानी ए, ई, आई, ओ और यू। तो जब ए, ई, आई, ओ, यू यूज हो रहा है तब हमें एन लगाना है। और जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं यानी पी, बी, टी, डी, सी, जी, एस, जेड, एफ, वी, एच, एन, तो हमें ए को पुट करना है। लेकिन हमें इसमें सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखना है? ए और एन को पुट करने से पहले हमें सबसे पहले इसका साउंड का ध्यान रखना है ना। सो लेट स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है ए और एन को पुट करके। तो ही इज अ बॉय, वो क्या है? एक बॉय है, वह एक लड़का है। शी इज अ गर्ल, वह क्या है? वह एक गर्ल है, वो एक लड़की है। थर्ड, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास क्या है? एक एप्पल है। तो ए ई आई ओ यू यूज हो रहा है, देखो इसलिए एन पुट कर दिया। फोर, यू एट एन ऑरेंज, आप क्या खाते हो? आपने एक ऑरेंज खाया। फिफ्थ, दे सॉ अ मूवी, उन्होंने क्या देखी? वे उन्होंने मूवीज देखी, पिक्चर्स देखी, एक पिक्चर देखी, ए। सिक्स, वी मैट अ मैन, हम किससे मिले? हम एक आदमी से मिले। बी, प्लेस ए और एन बिफोर द वर्ड्स गिवन बिलो, आपको यहाँ पे भी क्या करना है? इस पर्टिकुलर वर्ड्स के आगे, जैसे ये सेंटेंस को आपने कंप्लीट किया है ए और एन को यूज करके, सेकंड में क्या करना है आपको? बी में ए और एन इन वर्ड्स के आगे पुट करना है। तो ए ई आई ओ यू जहाँ लग रहा है वहाँ एन पुट करेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे ए पुट करेंगे। अम्ब्रेला यानी छतरी, तो एन अम्ब्रेला। काइट के, ए काइट यानी पतंग। बुक, ए बुक एक किताब। कैमल, ए कैमल एक कैमल ऊंट। एन एलिफेंट, किसकी बात कर रहे हैं? एक एलिफेंट की बात कर रहे हैं। हाथी, काउ मीन्स गाय, और ए काउ। पेन मीन्स पेन, जो खुशबू मैम के हाथ में है अभी, ए पेन। गर्ल, ए गर्ल लड़की। बॉय, ए बॉय यानी एक लड़का, बॉय लड़का। पार्क, आप सब फैमिलियर हो पार्क वर्ड से तो, है ना। सो ए पार्क। बाइक, बाइक चलाते हैं ना डैडी, तो ए बाइक। एरोप्लेन हवाई जहाज, सो एन एरोप्लेन। शिप यानी जहाज, ए शिप। बस यानी ए बस। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट वर्कशीट 20 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ फ्रूटफुल डे।